सिक्योरिटी वालों ने कहा, सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो चार दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, तीन चार दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, चार दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मैं, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं चार दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने, उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया।